लगातार 2 महीने से चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए रालोसपा सुप्रीम उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को भी बाय बाय कह दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा और एनडीए का त्याग कर बिहार से यूपी का दामन थामने के बाद कुशवाहा बिहार की राजनीति को कितना बदल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए छोड़ने के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब वो महागठबंधन का ही हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का भी दामन छोड़ दिया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और इन उम्मीदवारों ने 25,000 से लेकर 40,000 तक वोट हासिल किए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया था कि कुशवाहा उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने कुशवाहा को एक जनसभा में गले से लगा लिया और गिले शिकवे दूर करने को उन्हें राज्यसभा भेज दिया। जिस वक्त नीतीश दोबारा एनडीए का हिस्सा बने तो न केवल जुबानी जंग शुरू हुई बल्कि मामला नीच जैसे शब्द तक भी जा पहुंचा। बिहार में हुए उपचुनाव के दौरान कुशवाहा को सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो न सका। कुशवाहा ने शुरू में तो अपनी सीटों को लेकर दावेदारी ठोकी, लेकिन कोई भाव मिलता ना देख वो लगातार अलग अलग तरीके से अपनी मांग मोदी शाह की जोड़ी तक पहुंचाते रहे।